नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। पीरेबोर थाना क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर में छिपाकर की जा रही शराब तस्करी का मामला सामने आया है। जी हां, पीरेबोर थाना प्रभारी सभी हक ने बताया कि पुलिस को कदम घाट पर शराब की तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस तस्करों पर नजर रख रही थी, इसी दौरान सोनपुर से आई एक नाव से एक संदिग्ध शख्स कदम घाट पर उतरा। उसने बोरे में गैस सिलेंडर रखे हुए थे। गैस का सिलेंडर लेकर घूमने वालों को देखकर ऐसा लगा कि वो रसोई गैस की डिलीवरी करने के लिए आए हैं। शक होने पर पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर की जांच की तो वो चौंक गई। सिलेंडर के पिछले हिस्से में ढक्कन लगाकर उसमें शराब से भरी कोल्ड ड्रिंक्स की प्लास्टिक की बोतल रखी हुई थी। सिलेंडर में 2 लीटर क्षमता वाली 7 बोतलें मिली। वहीं बोरे से 200 मिलीलीटर के 100 और झोले से 50 देसी शराब के पाउच भी बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने सोनपुर निवासी शराब तस्कर भूषण कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से 44 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। पुलिस व अन्य एजेंसियों की पकड़ से बचने के लिए तस्कर ने शराब तस्करी के लिए यह नया तरीका खोजा था। उसने शराब गैस सिलेंडर में छिपा कर रखी थी। अब पुलिस आरोपित से पूछताछ करेगी, वहीं ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि इसके ग्राहक कौन लोग थे। इस नए ट्रेंड को लेकर किसी को पता नहीं था। अब खुलासे के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। संदिग्धों की तलाश जारी है। एसएसपी ने शराब तस्करों के नए ट्रेंड को लेकर पटना पुलिस के सभी थानों को अलर्ट कर दिया है और संदिग्धों की जांच के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें।